खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। अरौल थाना अध्यक्ष खुद बने न्यायाधीश, आरोपी बिना कार्रवाई के थाने से छोड़ा। पीड़ित ने क्षेत्र विधायक से लगाई न्याय की गुहार। विधायक ने मामले को संज्ञान लेते हुए पहुंचे अरौल थाने। विधायक ने थाने पहुंचकर थाना अध्यक्ष के झूठ को खुद ही पकड़ा। थाना अध्यक्ष पर जमकर भड़के क्षेत्र विधायक। कई दिनों से अरौल थाना अध्यक्ष की मिल रही थी शिकायतें। कानपुर कमिश्नरेट होने के बावजूद भी थाना अध्यक्ष है बेलगाम। थाने पहुंचे विधायक से कई और ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष पर जमकर लगाए आरोप। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। हमने पूछा असगर अली कहाँ, आपने उसको बंद किया छोड़ा है? आपने कहा कि बंद है। हाँ, मैंने कहा बंद है। और मैंने कहा नहीं बंद नहीं, क्या मुझे मुखबर भी दिखा जा रहा है उसका, देखिए पूछिए। नहीं, वो है कहाँ? वो जो पूछ रहा हूँ तो बता रहे हैं। छोड़ दिया गया, छोड़ा नहीं गया। एक बात सुनिए, ये जो विषय आया है ये ऐसा नहीं कि खाली यही विषय आया। आप पहले बात सुनिए जो हम बात बता रहे हैं। इसके पहले से सुनिए, संगठन में बराबर विधायक जी के पास और हमारे पास सैकड़ों आपकी शिकायतें आ रही, सैकड़ों शिकायतें। पता नहीं आप कैसे धरना चला रहे। पहले भी सरकार की मंशा क्या है, किस अनुसार सरकार काम कर रही है? यहाँ काम नहीं होता है। हमने आपको बोला था, यहाँ का जो पूर्व प्रधान कठेरिया था, हमने कहा कि उसको जो है मामले को दोनों पक्षों को बैठा के हल करा दीजिए। होली गोली का झगड़ा है या आलू का ट्रैक्टर का झगड़ा है, आपने उसको छोड़ना। उसके बाद अगले दिन आपने 20,000 रुपए भी लिए, मारा भी। हमने आपसे कहा कि आपका फोन आया है, आपका समय काम किया है। आप नहीं ना तो आज हो रहा होता तो यहाँ खड़े नहीं होते। आप सीधे सीधे धांधली बता रहे हैं, गलत बात। आपके मंत्री को भ्रम मिला या भ्रम दिया? हां, सरकार की मंशा के अनुरूप इनके काम करने की इच्छा नहीं है। देखिए आप लोग देखिए गलत कर रहे हो। नहीं, गलत कैसे कर रहे हैं? आप भी सरकारों से कहते आ रहे हैं, गलत करें समझाए रहे हैं। आप सब लोग गलत कर रहे हैं। इससे मर्जी आने से सरकार चलेगी। पैसा नहीं, आप बताएंगे क्या सही है क्या गलत है? आप बताएंगे क्या गलत है क्या सही है? मैं अभी यहाँ अरौल थाने में आपके यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रभारी जी भी है यहाँ अरौल थाने के। हमने आपको पहले भी बहुत शिकायतें बताई थी, हद से ज़्यादा शिकायतें बढ़ती गई हैं। अभी एक कल झगड़ा हुआ था, टेम्पो और ऑटो वालों का कुछ झगड़ा था। उसमें किसी अफसर अली ने मारपीट करी थी किसी ब्राह्मण के साथ, उसको बुलाया गया था। उसके बाद मुझे जानकारी में आ जाया, मैं इसी क्षेत्र में था तो इनसे बातचीत हुई कि उसको क्या छोड़ दिया आपने? बोले नहीं, अभी मैंने छोड़ा नहीं। मुझे विश्वास नहीं था, मैं यहाँ थाने पर आना पड़ा मुझे। और अफसोस की बात यह है कि वो यहाँ पर नहीं है वो व्यक्ति। इन्होंने सरासर ये हमेशा झूठ बोलना, हमेशा मेरे बात को एकदम खिलाफत करके अपने हिसाब से पूरा काम करते हैं ये लोग यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इनका बस सिर्फ एक उद्देश्य है कि कैसे पैसा कमाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।